हेलो दोस्तों, आप सभी का राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड की अपकमिंग बाइक के बारे में। आने वाले कुछ टाइम में मतलब 2021 से 2022 तक रॉयल इनफील्ड 20 न्यू बाइक को लॉन्च करने का प्लान कर रही है, जिससे रॉयल इनफील्ड मार्केट में सबसे ऊपर रहे। रॉयल इनफील्ड के न्यू CEO विनोद दसरी ने कुछ टाइम पहले अपने प्लान को लेकर रिवील्ड किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम न्यू मोटरसाइकिल और डिफरेंट इंजन डिस्प्लेसमेंट कैटेगरी वाले बाइक लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। आगे हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से बाइक लॉन्च होगी, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रॉयल इनफील्ड के बाइक को टक्कर देने के लिए बेनेली, जावा और होंडा ने भी अपनी बाइक को मार्केट में उतारा था, बट फिर भी रॉयल इनफील्ड को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। कुछ महीने पहले रॉयल इनफील्ड ने मीटियोर 350 को लॉन्च किया था, उसके बाद रॉयल इनफील्ड के सेल में एक अच्छा खासा उछाल देखा गया है। रॉयल इनफील्ड के पास अभी काफी सारे बाइक है, जिसमें बुलेट, क्लासिक, मीटियोर, हिमालयन, कॉन्टिनेंटल GT, इंटरसेप्टर GT, बट अब रॉयल इनफील्ड के पोर्टफोलियो में काफी सारे न्यू बाइक ऐड होने वाले हैं। 20 अपकमिंग बाइक में से कुछ के नाम कंफर्म हो चुके हैं, जिसके बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रॉयल इनफील्ड ने कौन कौन से बाइक कंफर्म कर दिए हैं लॉन्च को लेकर। तो एक नंबर पे है नेक्स्ट जनरेशन की क्लासिक 350, सेकेंड नंबर पे है शॉटगन, थर्ड नंबर पे है हंटर, फोर्थ नंबर पे है 650 क्रूजर, फाइव नंबर पे है रोडास्टर, सिक्स नंबर पे है बोबर, सेवन नंबर पे है शेरपा, एट नंबर पे है फ्लाइंग फ्लिया, नाइन नंबर पे है हिमालयन 650, टेन नंबर पे है क्लासिक 650, इलेवन नंबर पे है स्क्लेमर 650। ये थे 11 न्यू कन्फर्म बाइक जो रॉयल इनफील्ड बहुत जल्द लॉन्च करने वाली है, और इनमें से तो काफ़ी सारे बाइक को काफ़ी बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया। दोस्तों, ये जो 11 बाइक है ये बहुत जल्दी हमें इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए दिख जाएगी, अगर कोविड का जो कोरोना का मामला है वो जल्दी से शांत हो जाता है तो। क्योंकि कंपनी ने लास्ट वीक में कंपनी का अपडेट आया था कि उन्होंने अपने जो चेन्नई बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पर उन्होंने एक हफ्ते के लिए काम को बंद कर दिया है। बट आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं 28 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, 27 तारीख के इवनिंग में अपडेट आया है कि रॉयल इनफील्ड ने अगले 3 दिनों के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग को स्टॉप कर दिया है। तो दोस्तों, ये थे रॉयल इनफील्ड के 20 अपकमिंग बाइक में से 11 कंफर्म बाइक के नाम। बाकी के जो 9 बाइक है उसको कंपनी ने अभी उसके नाम का खुलासा नहीं किया है, बट कंपनी बहुत जल्द जो बाकी के 9 बाइक है उनको भी इंट्रोड्यूस करने वाली है। अभी जो 11 बाइक कन्फर्म हो चुके हैं लॉन्च के लिए, उसका मैं सेपरेट एक अलग से फुल डिटेल्स वाला वीडियो बना दूंगा, जिसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएगा। और अगर आप भी रॉयल इनफील्ड के न्यू बाइक के लॉन्च को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आप अभी कुछ टाइम रुक जाइए, क्योंकि रॉयल इनफील्ड एक से बढ़कर एक दमदार बाइक लॉन्च करने वाली है। तो दोस्तों, यही छोटा सा अपडेट आप लोगों को देना था कि रॉयल इनफील्ड 20 न्यू बाइक को लेकर आने वाली है। तो दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको बाइक रिलेटेड न्यूज या अपडेट यूट्यूब से पहले चाहिए तो। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है राइड विद बाइक रजत, आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप एक क्लिक से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।